गुड आफ्टरनून स्टूडेंट स्टूडेंट नाउ साइंस पीरियड ओके सो ओपन योर साइंस बुक एंड नोटबुक स्टूडेंट्स ऑन सैटरडे वी राइट जंबल वर्ड ओके जंबल वर्ड ऑफ चैप्टर 3 टुडे वी राइट आंसर इन वन वर्ड ऑफ चैप्टर 3 चैप्टर 3 कौन सा है आपका वाइल्ड एनिमल्स ओके सो टेक आउट योर साइंस नोटबुक आप अपनी साइंस की नोटबुक निकालिए और उसमें लिखिए आप उसमें डेट मेंशन करिए डे मेंशन करिए एंड लिखिए एक्सरसाइज ए आंसर इन वन वर्ड लाइक दिस ओके ये देखिए ये आपकी बुक है आपकी बुक में एक्सरसाइज 1 आंसर इन वन वर्ड आप देखिए अब लिखिए इसमें आंसर एक्सरसाइज ए आंसर इन वन वर्ड ओके स्टूडेंट You write heading answer in one word. After write the heading, you leave a one line like this. आप heading लिखने के बाद ये one line छोड़ देंगे. After leaving a one line, then you write question number 1. Question number 1. What are the What are the animals that live in forest? FOREST called Students, वो animals जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आप आंसर 1 लिखिए वाइल्ड एनिमल ओके वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर ओके स्टूडेंट आप जब आंसर 1 कंप्लीट कर लेंगे तब आप वन लाइन लीव करेंगे ओके वन लाइन लीव देन राइट क्वेश्चन नंबर 2 लाइक दिस अब यहां लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 what are the animals that eat only plants called students look at the blackboard what are the animals that eat only plants called wo animals jo only plants khate hain sirf plants khate hain wo kya kehlate hain unhe hum kya kehte hain answer number 2 unhe hum kya kehte hain plant eating animals और ब्रैकेट में देखिए आप क्या लिखेंगे herbivores
हर्बीवोर। देखिए, व्हाट आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स कॉल्ड। वो एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हर्बीवोर। हम उन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल भी कह सकते हैं और हम उन्हें हर्बीवोर भी कह सकते हैं। आप हर्बीवोर की स्पेलिंग देखिए, एच ई आर बी आई वी ओ आर ई एस, हर्बीवोर। स्टूडेंट आप ये टू क्वेश्चंस लिखिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, आप ये देखिए, अगर आपके पेज पर स्पेस है, वन लाइन है, तो आप इसमें नहीं लिखेंगे, आप नेक्स्ट पेज से लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये वन लाइन हमें लीव करनी, हमें छोड़नी है। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली That eat only flesh of that eat only flesh of other animals called। Students, look at the blackboard. What are the animals that eat only flesh of other animals called? वो एनिमल्स जो अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो ओनली फ्लैश खाते हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते हैं, ओनली जो फ्लैश खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आप इसका आंसर लिखिए, आंसर नंबर थ्री। फ्लैश ईटिंग एनिमल, देखिए जैसे प्लांट ईटिंग एनिमल को हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल को क्या कहेंगे, कार्निवोर। कार्निवोर, कार्निवोर जो एनिमल्स ओनली फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल का उन्हें हम बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवोर। उन्हें हम फ्लैश ईटिंग एनिमल भी बोल सकते हैं और कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर फोर। स्टूडेंट आप आंसर थ्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर वन लाइन छोड़ेंगे। ओके, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू वी कॉल द एनिमल्स दैट आर नॉट दैट आर नॉट फाउंड नाउ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, व्हाट डू वी कॉल द एनिमल्स दैट आर नॉट फाउंड नाउ? वो एनिमल्स जो अब नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अब नहीं पाए जाते से जाते मीन्स कि वो एनिमल पहले काफी साल पहले होते थे लेकिन वो अब नहीं है, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? आंसर नंबर फोर आप लिखिए, एक्सटिंक्ट, TINCT, एनिमल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ये देखिए क्वेश्चन थ्री, व्हाट आर द एनिमल्स दैट इज ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कॉल्ड? आंसर थ्री देखिए, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवोर्स। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, व्हाट डू वी कॉल द एनिमल्स दैट आर नॉट फाउंड नाउ? ऐसे एनिमल्स जो अब नहीं पाए जाते उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ओके स्टूडेंट, क्या बोला जाता है उनको? एक्सटिंक्ट एनिमल्स, कि वो अब नहीं पाए जाते, पहले वो पाए जाते थे, वो अब एनिमल क्या हो गए हैं? गायब हो गए या लुप्त हो गए हैं, उन एनिमल्स को खत्म कर दिया है। ओके स्टूडेंट, ये फोर क्वेश्चंस आपने लिखे, ये फोर क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ये देखिए, द लेसन इज ओवर फॉर टुडे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कल करवाऊंगी। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। ओके।